नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राज्य मंत्री श्री चांदना ने टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का किया शुभारंभ। बूंदी पर्यटन को लगे पंख, टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में हुई जंगल सफारी। बूंदी 23 जून पर्यटन के क्षेत्र में जिले को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को बूंदी के टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में पहली जंगल सफारी की शुरुआत हुई। युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने दरेलपुरा स्थित वन नाके से जंगल सफारी को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री चांदना ने कहा कि टाइगर सेंचुरी में सफारी का शुभारंभ पूरे जिले के लिए जीवन दान है। आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटन आनंदित होंगे और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। वन विभाग के सभी अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू होने पर जिलेवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इससे पर्यटन शुरू होगा और लोगों को पर्यावरण से जोड़ेगा। आने वाले दिनों में बूंदी विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निर्देशक संजीव शर्मा ने कहा कि लोगों में बहुत उत्साह है, बूंदी के लिए ऐतिहासिक दिन है, पर्यटन बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां विकास होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने से यहां बूंदी में अपार विकास होगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को रवाना हुई जंगल सफारी में 4 विदेशी तथा 14 देशी सैलानियों को जिप्सी के माध्यम से जंगल की सैर कराई गई। दिखेंगे ये वन्य जीव। जंगल सफारी के रूट पर टाइगर, पैंथर, हिरण, भालू, जंगली बिल्ली, चीतल, सांभर, लोमड़ी, नीलगाय, बाढ़ सिंगा, बंदर, लंगूर, नेवला, गिलहरी, सैली आदि का दीदार हो सकेगा। इसके अलावा मोर, बटेर, कबूतर, बगुला, चील, गिद्ध, उल्लू, गोरैया, तोता सहित 101 करीब पक्षी नजर आएंगे। यह आएगा खर्च। जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए देशी पर्यटकों को 780 प्रति पर्यटक तथा विदेशी पर्यटकों को प्रति पर्यटक 1150 रुपये की राशि तथा विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 700 रुपये खर्च करने होंगे। इसके दौरान मुख्य वन संरक्षक कोटा महेश गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, रामगढ़ टाइगर विषधारी अधिकारी DCF संजीव शर्मा, रेंजर सुमित कनौजिया, वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि टाइगर सेंचुरी और ये सफारी का शुभारंभ होना बूंदी पूरे ज़िले के लिए, ना केवल शहर के लिए, ना किसी गांव के लिए, पूरे ज़िले के लिए ये एक जीवनदान है और आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए ये रोज़गार के दरवाजे खोलेगी, देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों को आनंद भी देगी और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार भी देगी। यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भविष्य सुधरने वाला है, विकास होने वाला है। मैं बूंदी जिले के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रामगढ़ में आज आपने हरी झंडी दिखाकर जो सफारी का शुरुआत की है, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि वन विभाग के अधिकारियों को हमें विशेष धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने पूर्व में जब केवल एक टाइगर था, फिर टाइग्रेस लेकर आए, वन विभाग के बड़े अधिकारियों ने 2 टाइग्रेस की और सेंक्शन करी। तो वन विभाग का पूरा मूड है कि बूंदी की रामगढ़ विषधारी टाइगर सेंचुरी का डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, पर्यटकों को आनंद आए।
तो मैं समझता हूँ कि हमें उनको भी वन विभाग के समस्त अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जिलेवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये उस दौर की शुरुआत है जब एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म जहाँ शुरू होगा और लोगों को पर्यावरण से जोड़ेगा। और जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं कि बूंदी जिले में अगर कुछ पोटेंशियल है तो टूरिज्म में है। और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद है ये आगे बढ़ेगा, फूलेगा फलेगा और बूंदी जिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। So we are a family from Spain. We are the first tourists to come here. This is the first day and it's incredible. Plenty of locals and very friendly. And yeah, we're just visiting this reserve, the tiger reserve. A lot of animals, a lot of tigers and birds and it's, everything is green. It's quite different to what we've seen so far in other sides of India. And we encourage everyone to come here. Thank you. It's David Lopez Almirán from Spain, Barcelona. Namaste. Where are you come from? So we are a family from Spain, Barcelona, from Catalonia. What is your experience about this beautiful tiger region? So far we came today to Bundi, beautiful city, very welcoming people. The nature, the wildfire is absolutely green, gorgeous, a bit humid, but freshy as well. Yes. People are very nice, and the safari, which we just stumbled across, and we are the first ones to, from abroad, to come and visit, is so far very nice. We saw in a few animals, and we are now enjoying the big viewpoint with a lot of green. So you will recommend for people come here? Absolutely.
please visit India. Please come and visit Bundi and Safari. Yeah. Rambar Fort. Rambar Reserve. Give the message for the Bundi for people here. What do you want to give message or advice? You mean for local Bundi citizens? Yes. My advice to them. Truth advice. Be the change you want to see in the world. Study hard. And do the best you can. Yes, thank you. No. Your name again, name and address? Laya Lopez Almiral. रामगढ़ अभयारण्य में हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का ट्रैकिंग बहुत अच्छा है और कुछ ऊंचा कुछ नीचा, बहुत प्यारा साइट सीन, बहुत ही अच्छे सुंदर हैं। और बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बूंदी से निवास करती हूँ और मैं आज फर्स्ट ट्रिप में ही आई हूँ, तो मेरे को यहाँ देख करके बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया लगा है। बहुत अच्छा लगा, ये बूंदी का सौभाग्य है कि यहाँ टाइगर सफारी स्टार्ट हुई है। बूंदी का पूरा नक्शा बदल जाएगा। बहुत टाइम से हमारी इच्छा थी कि ये स्टार्ट हो। बूंदी का अहोभाग्य है कि ये स्टार्ट हो गया टाइम पे, और आने वाले टाइम में पूरी तस्वीर बूंदी की बदलेगी। बहुत अच्छा साइड सीन, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। आई लव बूंदी ऑलवेज, एंड अब ये सक्सेस होगी तो और ही अच्छा लगेगा हमें। मेरा नाम संतोष बाकल। आज राजस्थान में तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसमें सफारी स्टार्ट की, और ये बूंदी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब टाइगर रिजर्व में सफारी स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं बनेगी और इससे बूंदी का समग्र विकास होगा और पर्यटक आने से यहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, वन्य वन्यजीव का संरक्षण होगा। तो ये इसको एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय और कलेक्टर साहब और हमारे जो साथी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल थे, बहुत सारे वन्य जीव प्रेमी टूरिज्म लाइन के लोग थे, तो सब में बहुत उत्साह देखा गया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस उत्साह ये बना रहेगा और बूंदी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और बूंदी का भविष्य जो है वो इससे काफ़ी सुधरेगा और एक समग्र विकास होगा बूंदी का।